अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आप ये देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अंडे हैं, मिर्चें, प्याज, पालक, ये सब चीज़ें। आप सोच रहे होंगे क्या बनने लगा, तो गैस करें क्या बनाने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ इसके मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मेरे पास है सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन, बेकिंग सोडा, ब्लैक पेपर पाउडर और मेरे पास है बेसन। ये सब मसाले इसके हैं पकौड़ों के लिए। हम मुख्तलिफ़ तरह के पकौड़े बनाएंगे, वो देखें फिर उसके लिए मैं क्या क्या वेजिटेबल्स लेती हूँ। ये मैंने लिए हैं बैंगन स्लाइस कटिंग में, ये मेरे पास दो बॉइल्ड एग हैं, फिर है पालक, पालक के आधी डंडियाँ मैंने काट के छोटे पत्ते ले लिए, और ये मेरे पास पोटैटोज़ हैं, ये भी शेप गोल कटिंग है, ये बॉइल्ड कॉर्न हैं, और ये मिक्स वेजिटेबल्स के लिए मेरे पास सब्जियाँ हैं। पालक है इसमें, प्याज है, बैंगन है और हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी आलू हैं और बंद गोभी है। ये सब स्लाइस में मैंने काटा हुआ है, प्याज आलू सब चीज़ें ये मिक्स पकौड़ों के लिए हैं, और बाकी हम अलग अलग फ्राई करेंगे। यह आपको नज़र आएगी बहुत सी वैरायटी पकौड़ों की। ये मैंने बेसन लिया है, हाफ के जी बेसन है, इसमें मैंने सिर्फ पानी डाल के और इसे फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने कोई और चीज़ अभी ऐड नहीं की, क्योंकि हमने अलग अलग तरह के पकौड़े बनाने हैं, तो फिर हम लेते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी और उसमें हम अपने स्पाइसेस मिक्स करते जाएंगे। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा बेसन लिया, इसमें अजवाइन, ज़ीरा, नमक, कुटी मिर्चें और बेकिंग पाउडर डाल के, बेकिंग सोडा डाल के ये मैंने बैंगन को फ्राई कर लिया। ये देखें कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं ये। इनको सब वेजिटेबल्स को पहले धो के उसका पानी खुश कर लेना है, आपने ड्राई कर लेना है, ताकि बनाते वक्त वो अंदर से नरम ना रहें, सौगी ना हो जाए हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ये। फिर मैंने उसी में ही दोबारा थोड़ा सा ज़ीरा, अजवाइन, कुटी मिर्चें, नमक ऐड करके, और अब ये मैंने आलू जो इसी शेप में काटे हुए थे, बैंगन का राउंड शेप था, और ये भी हम राउंड शेप वाले ही आलू फ्राई कर रहे हैं, आलू के चिप्स बन रहे हैं। पोटैटो चिप्स हैं, और इनको आप रमज़ान के लिए बेहतरीन, आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ, आई होप आपको अच्छी लगेगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए, इन्हें भी हम निकाल के इसका सारा ऑयल स्टेन करके रख देंगे। अब ये मेरे पास है कॉर्न, ये आप ले लें भुट्टे वाले जो आते हैं रेड़ियों पे, उनसे ले लें, या वैसे कच्चे ला के फ्राई कर लें। इसमें मैंने नमक, इसमें मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, बेसन में बाकी सब चीज़ें वही थी, और कुटी मिर्चें नहीं डाली, इसमें पिसी हुई मिर्चें डाल के इनके पकौड़े भी तैयार कर लिए। इतने मज़े के ये पकौड़े बनते हैं, बच्चों के तो बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि इसमें कॉर्न जब आता है मुँह में बाइट लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उससे। अब एक मैंने दोबारा से बेसन लिया, उसमें मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, अजवाइन डाली है, मीठा सोडा, नमक, ज़ीरा, और ये देखें आपके सामने ये चीज़ें हैं। इसमें मैं अब डालूंगी पालक, ये हम पालक के पत्ते जो हैं फ्राई करेंगे। ये तकरीबन आपको मैं 6 किस्म के पकौड़े इस वक्त बनाना दिखा रही हूँ। ये देखें कितने मज़े के बन रहे हैं ये भी, और बस दोनों तरफ से हम फ्राई करेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी से, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं जाएंगे इनमें। और ये रमज़ान में आप एक बार जब मेहमान या तो कोई आप अफ्तार पार्टी रखते हैं तो उसके लिए बेहतरीन ये है, और घर में कुछ लोग खाते हैं आधे पकौड़े कुछ नहीं, तो इसका भी बेहतरीन सलूशन है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के बना लें। ये है काली मिर्चें, नमक और मीठा सोडा, बस इसमें और दूसरी कोई तरह की मिर्च नहीं जा रही, ना कोई ज़ीरा। ये मैंने अंडों को, बॉयल अंडे थे, इन्हें हाफ कर लिया, और फिर अब इसे बेसन में लगा के ये मैंने फ्राई कर लिया। ये देखें आप इसमें से अंडे को और छोटी शेप में भी कर सकते हैं, इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं आप। ये सारे अंडे भी फ्राई हो गए, और अब हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल्स पकौड़े जो हर घर में बनते हैं, तकरीबन ये रमज़ान में रोज़ाना ही बनते हैं। तो आप मुख्तलिफ वैरायटी किसी दिन एक बना लें, किसी दिन दूसरी रेसिपी से बना लें, या जब गेस्ट आते हैं तो फिर आप इकट्ठे भी थोड़ा थोड़ा अपना प्लेटर ये बना के तैयार कर सकते हैं। ये हमारे मिक्स वेजेस वाले पकौड़े तैयार हैं, बहुत क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। ये देखिए मैंने सारे फ्राई करके और ये निकाल लिए, इसमें ऑयल को आप स्टेन ज़रूर करें। ये देखिए अभी फ्राई किए हुए पकौड़े, ये पालक का बहुत मज़े का बना, बहुत ज़बरदस्त, और मेरे घर में फैमिली में सबको पकौड़े बहुत पसंद आए, और ये कॉर्न वाले पकौड़े शायद आपने भी पहली बार ही देखे हों,
ये बहुत अच्छे बने। ये बैंगन के इसमें से वैरायटी इतनी है कि कोई अगर फैमिली मेंबर आपका ये नहीं खाना चाहता तो आपके पास वैरायटी है कि अगर एक चीज़ नहीं आपको पसंद आ रही तो आप दूसरी ले लें। ये आलू के ये भी सब छोटे बड़े बच्चे सब बहुत शौक से खाते हैं, ये भी सबके फेवरेट होते हैं। ये एग पकौड़ा अंदर से फुली ये फ्राई हुआ हुआ है और कोई भी पकौड़े कच्चे नहीं है अंदर से। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती ये फ्राई हुई हैं सारी वेजिटेबल्स, बहुत क्रिस्पी पकौड़े बना आप इसे केचप से, दही से, दही की चटनी से, हरी चटनी से इन पकौड़ों को खा सकते हैं जैसे आप चाहें। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अपने कमेंट्स से मुझे